स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस नए वीडियो में। आज हम लोग पहली बार करने वाले हैं द ठाकुर फैमिली व्लॉग्स यूट्यूब चैनल पर साल का सबसे पहला Q&A। तो आप सभी लोगों के बहुत सारे सवाल आए, हमने बहुत सारे सवाल अलग छाटे हैं, छाटने वक्त अलग हंसी आ रही थी हमें। और ये एक थोड़ा मतलब चैलेंजिंग काम था क्योंकि 600 के आसपास कमेंट्स आए हैं, इंस्टाग्राम पे अलग लोगों ने सवाल पूछे हैं, मतलब इतने सारे लोगों का इसमें हमारे पास रिस्पांस आया है कि हम बता नहीं सकते। सबके लिए, पापा के लिए अलग, मम्मी के लिए अलग, हनी सनी मेरे लिए, तो सबके लिए अलग अलग सवाल। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा। तो हम लोग शुरुआत करते हैं पहले सवाल के साथ। यस, तो इसमें मैं बनती हूँ रिपोर्टर। बिल्कुल। एक बात आप सभी लोगों को बता दूं कि सवाल बहुत सारे थे जो एक ही जैसे थे, रिपीटेड क्वेश्चंस बहुत सारे थे, लेकिन हमें जो लगा सबसे अच्छा और सबसे थोड़ा फनी जिसका हम जवाब दे सकते हैं वो हमने अलग छाटे हैं। पहला सवाल पेश किया जाए। सबसे पहला सवाल हम लोग लेने जा रहे हैं श्याम भवी मिश्रा का, यह है ऋषभ के लिए। क्या बात है। आई वाना आस्क यू व्हेन आर यू सिंगिंग अ सोलो सॉन्ग फॉर अस बिकॉज़ योर वॉइस इज अमेजिंग। अच्छा, इसको इंग्लिश समझ नहीं आएगा, मैं बोल देता हूँ कि आप सोलो सॉन्ग कब गाओगे। भाई मैं 12th पास हुआ यार, ऐसे सोलो सॉन्ग पापा बताओ गाना चाहिए मेरे को। जरूर, हम सोच ही रहे हैं, बना भी लिए हैं, जल्दी हम उसको लॉन्च करने वाले हैं, उड़ा देंगे। तो आशा है शांभवी जी आपको आपका जवाब मिल गया। अच्छी बात तो यह है कि YouTube ने डिसलाइक बटन को गायब कर दिया है, अब तो मैं गा के डाल सकता हूँ आराम से। अच्छा, अब नेक्स्ट सवाल है काचुक देव वर्मा का फॉर अयाची। यस, व्हेन डू यू स्टडी और हाउ डू यू मैनेज योर स्टडीज as I haven't seen you studying in the video and I request Rishabh show something special about Ayachi, love from Tripura, Northeast India। मेरे ब्लॉग्स में पढ़ते हुए कभी मैं दिखाता नहीं हूँ, जब पढ़ेगा तब ना दिखाऊंगा आप सभी को। नहीं, मैं पढ़ता हूँ ये दिखाता हूँ। अच्छा, बिल्कुल। कब पढ़ता सनी? ये सोने के बाद और उठने से पहले 10 घंटा पढ़ाई करता है। बिल्कुल, ये सोने के बाद और उठने से पहले 10 घंटा पढ़ाई करता है। बिल्कुल, वेल डन। और स्पेशल चीज सनी में क्या है जो दिखाना चाहिए? सनी के जोक्स जो कि लोगों को बहुत ज्यादा पसंद है, तो वो डिसकंटिन्यू कर दिया था बीच में, लेकिन दोबारा से व्लॉग्स में हम डालेंगे। तो आप लोगों को बस सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। अगला सवाल है अजय कोहली जी का। आई जस्ट वांट टू आस्क यू अबाउट व्हाट प्रिकॉशंस एंड डाइट यू ऑल टेक टू रिकवर फ्रॉम कोविड एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, लव फ्रॉम नैनीताल। तो जब तक, थैंक यू सो मच अजय जी, जब हम लोग को पता चला कि हम सभी लोग पॉजिटिव हैं, काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसा था ना कि हम लोग पिछले 2 साल से डॉज कर रहे थे कोविड को, हम लोग होने नहीं दिए खुद को अफेक्ट, लेकिन 3rd साल में हम लोग को हो गया, तो हम लोग डरे नहीं बिल्कुल भी। और डाइट में क्या था, और अगर मेरी मानो, अगर आपको भी हो जाए तो चिंता तो बिल्कुल मत करना, खाना एकदम दबा के खाना, खाना अच्छे से खाइए। और हाँ, जो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल था वो था काढ़ा, मैंने 2-2 बार दिन में काढ़ा पिया, 2-2 बॉटल काढ़ा पी गई मैं, और अदरक और तुलसी, अदरक और हनी मैं ज्यादा इस्तेमाल की, अदरक। इसमें क्या है कि पानी ज्यादा पीना है बस, सब काम खत्म कर देता है, पानी ज्यादा ज्यादा पीजिए, गर्म पानी। हाँ, ठंडा पानी तो पीना नहीं है, वो अलग बात है कि मम्मी हमारी बात नहीं सुनती, तो मम्मी ठंडा पानी गर्म पानी पीने से। और दवाई अपने मन से मत लीजिएगा, ये पैरासिटामोल खाना चालू कर दें, डॉक्टर से पूछ लीजिए। सलाह बहुत जरूरी है। अगला सवाल है कल्पना बिष्ट जी का। हाय, योर व्लॉग्स आर वेरी गुड, माय क्वेश्चन इज फॉर आंटी जी, व्हाई डोंट शी ओपन हर ओन चैनल फॉर ऑल द अमेजिंग कल्चरल फूड शी मेक फॉर यू ऑल। बताइए मम्मी। नहीं, चैनल नहीं बनाऊंगी, जो ये सब है इसी सब पे जाएगा थोड़ा बहुत, जब जब टाइम मैं मैथिलीज लाइफ पे ही आपके साथ कुछ कुछ खाना का रेसिपी शेयर करूंगी। भाई कंटेंट चाहिए, हमारे पास इतने सारे लोग हैं, इतना सारा हम लोग दिन भर ऑलरेडी म्यूजिक में काम करते रहते हैं, तो सोच नहीं पाते इतना अच्छा अच्छा कंटेंट कहाँ से लाए, लेकिन आप सभी लोग का जो ये आइडियाज है इससे हम लोग काफ़ी कुछ आप सभी लोग के लिए बना के ला सकते हैं। सो मैथिलीज लाइफ पे मैं सोच रही हूँ कि वीक में एक रेसिपी जरूर शेयर करूँ, जरूर आना चाहिए, पक्का पक्का, है ना? सब्सक्राइब टू मैथिलीज लाइफ। अच्छा, अबोध जी पूछ रहे हैं ऋषभ से, आई ऑल्सो हैव 2 siblings जस्ट लाइक यू डू, एन एल्डर सिस्टर अ यंगर ब्रदर, एल्डर सिस्टर इज पापाज फेवरेट एंड यंगेस्ट ब्रदर इज मम्माज फेवरेट, द मिडिल वन इज नो वन फेवरेट, व्हाट डू यू थिंक, अग्री और डिसअग्री? नहीं, ये तो है कि पापा की परी होती है, परी तो होती है, परी परी तो होती है, सच्ची में होती तो, और ये छोटा माँ का लाडला होता है जो कभी बड़ा ही नहीं होता है, रात में कूट दिया था।
नहीं, एक बात तो है मम्मी, मैंने आपसे ही देखा है कि जब मैं छोटी थी ना, 6-7 साल की, तब मैं बहुत सारे ऐसे काम कर पाती थी जो मतलब बड़े बच्चे करते हैं, जैसे कि चाय बनाना या फिर मैगी बनाना। और बनाती थी। और सनी ऐसा नहीं है, हाँ मतलब हनी भी बहुत छोटा था। और सनी कितने साल का हो गया, ये देखते 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 15 साल का हो गया, और इसको अभी तक अब कुकर का ढक्कन खोलना नहीं आता। देखिए अच्छी बात है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इतना सपोर्ट हो रहा है, लेकिन बेटा पे भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। बेटा अत्याचार नहीं किया जाए, अत्याचार किया जा रहा है बेटों पे। अगला सवाल है भाविक मात्रे जी का, क्वेश्चन फॉर मैथिली। व्हाई सडनली यू स्टार्टेड गिविंग प्रेफरेंस टू साड़ीज, यू लुक ब्यूटीफुल इन ड्रेसेस। ओ क्या उल्टी हो रही है? नहीं सर जी, क्यों कर रहा है? थैंक यू सो मच। लेकिन मैं बचपन से ही, जब मैं मम्मी को देखती थी ना गांव में, जब साड़ी पहनती थी तो मुझे बड़ा फैसिनेटिंग लगता था। मुझे लगता था कि कब मेरी हाइट लंबी होगी और कब मैं उतनी बड़ी होंगी। मतलब मैं सोचती थी कि कब मैं उतनी बड़ी होंगी कि मैं साड़ी हैंडल कर पाऊँ। और जब मैं रिकॉर्डिंग करना शुरू की, राम सीता विवाह का भी सीरीज आप लोग देख रहे होंगे मेरे मेन यूट्यूब चैनल मैथिली ठाकुर पर, हम लोग रोज नया नया एक राम सीता विवाह का जो गीत होता है, भजन होता है, ट्रेडिशनल म्यूजिक है, वो लेके आते हैं। तो देखती हूँ मैं सभी आंटी लोग साड़ी पहन के आती हैं, तो मैंने तभी सोचा कि अगर मैं भी इनके पीछे बैठूं तो मैं भी थोड़ी इनके जैसी लगूं। तो इसीलिए साड़ी पहनना, तभी मुझे ख्याल आया कि साड़ी पहनना शुरू करूं। और उसके बाद से ऐसा हुआ कि कभी कभी मैं प्रोग्राम्स में भी जाती हूँ या फिर किसी अवार्ड शो में, तो मुझे साड़ी पहनना ज़्यादा प्रेफरेबल लगता है, मैं अच्छी लगती हूँ इसके लिए। थैंक यू। अगला सवाल है कृष्णा पीडी सिंह जी का, ये पूछ रहे हैं हाउ आर यू ऑल इन हेल्थ। हम लोग बिल्कुल ठीक है पहली बात। अगला सवाल इनका मम्मी से है कि व्हेन यू फेल इल हु टुक केयर ऑफ योर हेल्थ द मोस्ट अमंग द 3 siblings। सभी ने रखा, किसी एक का नाम नहीं लूंगी, मम्मी गरम पानी मैं कर कर के लाती थी, पापा को छोड़ करके तीनों। पापा को छोड़ कर नहीं, आप जब भी खांसते थे तो पापा बिल्कुल दौड़ के आते थे, की फेल की फेल की फेल। नहीं सब बकवास। पापा को छोड़ के मतलब हम तीनों ने ख्याल रखा, वेरी गुड। मैंने थोड़ा ज्यादा रखा, मैंने थोड़ा ज्यादा रखा। दवाई आपको याद है, दवाई मैं कैसे खिलाती थी आपको? अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत तीनों ने दिया, तूने तो कुछ किया भी नहीं था, छोड़ना ये सो रहा था। अगला सवाल है ऋषभ राज सिंह जी का, और इनका सवाल भी ऋषभ से है। अरे क्या बात है। आर यू ऑल वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन? शुद्ध शाकाहारी, बिल्कुल। और दूसरा सवाल है कि व्हाट वाज योर परसेंटेज इन 10th बोर्ड एग्जाम? थोड़ा 2 मार्क बढ़ा के 2% बढ़ा के बताइए, तभी ज्यादा नहीं। ऐसी बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। अगला क्वेश्चन। अगला सवाल है अक्षय अक्की जी का, और ये सवाल मेरे से है कि व्हाट यू डू टू कीप योर माइंड रिलैक्स एंड काम बिफोर एनी कॉन्सर्ट और कॉम्पिटिशंस। इसका जवाब मेरे को समझ नहीं आ रहा, आप बताइए। तो कभी सोचती नहीं इसके बारे में। ये है कि हाँ कभी भी कोई प्रोग्राम का होता है या फिर कोई भी कंपटीशन होता है ना, तो मैं ज़्यादा सोचती नहीं हूँ कि अरे मुझे क्या करना है क्या करना है, ऐसा छोड़ देती हूँ। जब मैं स्टेज पे जाने वाली होती हूँ, मुझे उससे पहले भी नहीं फ्रेम रहता दिमाग में कि मैं क्या गाऊँगी या फिर क्या कैसे होगा, लेकिन वो सब स्पॉन्टेनियसली हो जाता है। इवन मैं जब जर्मनी गई थी वहाँ पे, तो मुझे ज़्यादा घबराहट हो रही थी कि मैं पहली बार यूरोप आई हूँ, यहाँ के लोग क्या सुनना पसंद करेंगे। जितने इंडियंस हैं उनसे ज़्यादा जर्मन वहाँ पे थे, कुछ कोरियंस थे और अलग अलग जगह के लोग थे, तो वो क्या सुनना पसंद करेंगे। तो लेकिन जब मैं बस स्टेज पे बैठी तो सब ऐसे 3.5-3 घंटा कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। वहाँ से कोई जर्मनी में राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, फिर लोग मतलब सबको भाषा कोई बैरियर नहीं है, हम लोग कुछ भी गाए सब लोग बड़ा इंजॉय कर रहे थे उधर। अच्छा अगला सवाल है एस रथवा जी का ऋषभ से। ऋषभ से बहुत क्वेश्चन है। पापा आप और मम्मी आप दोनों ध्यान से सुनना, ऋषभ की कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं? कितनी? और दूसरा, और आप कितने टाइम बात करते हैं दिन में जीएफ से? अरे जो मम्मी को नहीं मालूम। लेकिन ये ऑकवर्ड मोमेंट तो रहता है हाथ में। अरे पबजी खेलता हूँ यार। अनी मेरे को डाउट होने लगा क्या तुमको मालूम है, मेरे को बताओ।
अगला सवाल है सुप्रिया झा की तरफ से. हेलो मैथिली दीदी, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम सुप्रिया, सुकन्या, शांति एंड चंद्र नारायण झा. नमस्ते आप सभी लोगों को, थैंक यू सो मच. ये बोल रहे हैं मे यू ऑल गेट वेल सून. हम लोग ऑलरेडी ठीक हो गए हैं, लेकिन थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए. इनका सवाल है मैथिली दीदी से, अच्छा मिच से. आप प्लीज अपनी जर्नी बताइए फ्रॉम बीइंग अ कॉमन गर्ल टू सच अ फेमस स्टार ऑफ इंडिया. ये काफी, मैं अगर अब मुझसे कुछ पूछते हैं ना, तो मैं उसका एक क्वेश्चन का एक एपिसोड बना सकती हूँ 2 घंटे का. तो ये मैं बहुत ब्लाबला करने वाली हूँ, इसलिए आज इस वीडियो में नहीं, मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगी इसके लिए. लेकिन थैंक यू सो मच सुप्रिया जी ये सवाल पूछने के लिए. अगला सवाल है यू की तरफ से. व्हाट यू वांट टू टेल टू आवर अपकमिंग जनरेशन अबाउट ट्रेडिशनल म्यूजिक. और ये हम सब के लिए सवाल है. जो हमारा जो पारंपरिक म्यूजिक है, संगीत है ना, वही संगीत है. और दूसरा जो है सब बेकार है, उसको मत देखिए, इसको देखिए. बाबा बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड. काफी लोग ऑफेंड भी हो जाएंगे कि नहीं हमको तो ये पसंद है, हमको तो ये पसंद है. लेकिन लेकिन आप जहाँ के हैं, कम से कम वहाँ का तो पारंपरिक म्यूजिक आप जरूर सीखें. हाँ, आप मान लीजिए कोई भी स्टेट से बिलोंग करते हो, तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि वहाँ पे क्या क्या गीत है और क्या क्या ट्रेडिशनल म्यूजिक रहा है, ट्रेडिशनल डांस फॉर्म रहा है, ट्रेडिशनल आर्ट रहा है. तो ये सब आपको आपको तो ढिचक सुनना है. थोड़ा वो अपने पारंपरिक सुनिए, क्या क्या बजा हुआ है उसमें, क्या है. लेकिन हमारे देश का जो संगीत है, उससे बढ़िया विश्व में कहीं नहीं है, कहीं नहीं है. जाके देखिए, गौर से उसको समझिए और सीखिए. ओह वाओ. अगला सवाल है रविंद्र खंद्रिका जी का, और ये रमेश जी भारती जी के लिए है. हाउ डू यू हैंडल द सेलिब्रिटी स्टेटस ऑफ योर चिल्ड्रन व्हेन मेनी पीपल रश एंड विश टू मीट देम. बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा वो हमसे मिलने के लिए वो रहते हैं, तो आप हमारे आप अपने बच्चों का सेलिब्रिटी स्टेटस कैसे हैंडल करते हैं? ओह माय गॉड. वो क्या होता है कि हम पब्लिक पर छोड़ देते हैं, जो करना है करो. हमारे लिए तो बच्चे हैं. हम तो सिंपल है, जैसे मैं पहले तुम लोगों के साथ बिहेव करती थी, इधर अभी कोई भी वही है. घर में तो बस क्या सेलिब्रिटी, क्या वही तनुआ है, वही हनिया है, वही सनिया है. लगे थप्पड़ इसको, हमेशा डांट फटकार पड़ती ही रहती है. और हम लोग नेचुरल जैसे पहले रहते थे, वैसे ही अभी भी है. हाँ, तो इधर कोई सेलिब्रिटी स्टेटस नहीं. अगर आप सोच रहे हैं तो माँ बाप बिल्कुल वैसे ही रहते हैं सबके. सेलिब्रिटी को मुक्का मुक्का पड़ा है. मेरे दिमाग में तो ये आता भी नहीं है ऐसा कुछ. अगला सवाल है विंजो गुरु का. विच स्ट्रगल आर फेस्ड वाइल अचीविंग द गोल. इनका इंग्लिश थोड़ा सा है. कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगा आपको. अच्छा. पहले तू खुद सीख ले. English is best is the Sunny के पास. कि क्या स्ट्रगल आपने फेस किए अपने गोल को अचीव करने के दौरान? वैसे अभी भी गोल अचीव कर रहे हैं हम लोग. क्या स्ट्रगल? हमको अभी तक गोल दिखाई नहीं पड़ा है. गोल तो दिखाई नहीं पड़ा. मतलब हम लोग का कोई ऐसा नहीं है कि ये चीज करेंगे उसके बाद हमारा ये पूरा हमारा हमने जो किया वो सफल होगा. मतलब हम लोग कंटिन्यूसली करते जा रहे हैं, जो दिमाग में आ रहे हैं, जो आइडियाज आ रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते जा रहे हैं. ऐसा कुछ नहीं कि ये अचीव कर दिया उसके बाद सब खत्म. अभी फुटबॉल करते रहो, मेहनत करते रहो, जिस दिन गोल मिल गया एकदम फुटबॉल मार देंगे. अगला सवाल है मधु कोहली जी का. अंकल आंटी की लव मैरिज है या अरेंज मैरिज? दे जस्ट लुक सो क्यूट टुगेदर. बताइए बताइए, आप ही बता दीजिए. नहीं, हमने पहले कभी नहीं देखा था, सच में. मैं भी नहीं कभी देखा था इनको. एक और बात बताओ. वो सीक्रेट है, वो अगले वीडियो बताएंगे. शादी से जुड़ा वो जो भी चीज आपको सुनना है अगले वीडियो में आइए. हाँ, एक स्पेशल वीडियो बनना चाहिए. जो बताए तो जाओ, ना बताए तो जाओ. तो जाओ. हाँ, तो पापा मम्मी की शादी से रिलेटेड इतने सारे किस्से हैं ना, जो हम लोगों ने बहुत सुने हैं, गांव में भी सुने हैं. दादा दादी तो इतना हंसा हंसा के हमको सुनाए हैं ये सब किस्से. लेकिन आपको हम बताएंगे ये अगले एक स्पेशल वीडियो में. बिल्कुल. नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला सवाल है मेलोडी एंड म्यूजिक का. क्वेश्चन फॉर ऋषभ ठाकुर. अरे सब यार ऋषभ से ही पूछ रहे सवाल. जलवा है हमारा. सवाल लाडला है. सवाल ये है कि व्हेन यू फाइट विद मैथिली दीदी, हु गिव्स अ बीटिंग फर्स्ट, यू और मैथिली दीदी? दीदी दीदी. लेकिन हमारे पास वो अधिकार नहीं है. हमें वो अधिकार नहीं दिया गया कि हम हाथ उठा पाए. एक दूसरे पर कोई नहीं हाथ उठाएगा. ये तो किसी को अधिकार नहीं है, उसको भी अधिकार नहीं है. अच्छा. हाँ, अच्छा जब मार दी फिर अधिकार लेके कर लो. डांट पड़ती है ना यदि बाई चांस कभी. मैंने आज तक कभी नहीं सुना डांटते हुए.
बोले ना आप कुछ थोड़ा उठा, ये सारा अधिकार मेरे पास है ना, और किसी को दिए नहीं है, बस ये लेके बैठी हुई आपको पता भी नहीं है। अगला सवाल है राजशेखर सिंह जी का, माय क्वेश्चन फॉर मैथिली ठाकुर, इन वन वर्ड डिस्क्राइब योर बोथ ब्रदर्स। काश मैं वो वर्ड बोल पाती पब्लिकली। ये मत बोलिया, बोले बोले नहीं, इन दोनों को मालूम चल गया मैं क्या बोलना चाहती हूँ। प्यारा समझ गया आप बोल दू नहीं है। नहीं, पब्लिक पे चला जाएगा तब प्यारे, दोनों बड़े प्यारे हैं, एक वर्ड प्यारे। हाँ ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला कमेंट है दीपक कुमार जी का, ये लिख रहे हैं, बहुत से कमेंट्स को सेपरेट करने में ही हंसी आ रही होगी कि मैंने में रखे या नहीं, सही कहा ना मैथिली जी, लव फ्रॉम पटना दीपक जी। बिल्कुल दिल की बात कही आपने, बिल्कुल। अगला सवाल है ठाकुर ठाकुर का, ऋषभ सच सच बताना तुम्हारी जीएफ कौन है, इतने हैंडसम हो तुम्हारी गर्लफ्रेंड कैसे नहीं हो सकती, सच सच बताना ऋषभ। हमको पता है। बाबा वाले मजे ले रहे, क्या हुआ? हमको सब बात पता है। कौन है? अब यही तक ऐसा कुछ नहीं है। नहीं है यार, ऐसा होता तो मेरे को ही मालूम होता ना। ये सवाल ये बड़ा, आप लोग कहाँ कहाँ से सवाल लेके आते हैं, बजरंग बली के भक्त हैं हम। अगला सवाल है प्रकाश नेवरा जी का, आप लोग बार बार कार बुक करके जाते हो, उसके बजाय नया कार क्यों नहीं ले लेते हो? मैं भी यही बोलता हूँ, सच्ची में। एक्चुअली क्या होता है कि अलग 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 कार पर चढ़ते हैं, ड्राइवर के साथ कार आ जाती है, पैसे भी कम लगते हैं, मेंटेनेंस भी नहीं लगता, और टेंशन भी नहीं होती कि गाड़ी ठुकेगी कि कहाँ जाएगी। क्या बात है, सिंपल समाधान रास्ता। अगला सवाल है अनुभव यादव जी का, गाइज What's the favorite thing that your mother love to cook for everyone, for all of you guys? पापा आप बताइए, मम्मी के हाथ का कौन सा खाना आपको बहुत पसंद है? चावल दाल बस। सब्जी तब्जी कुछ नहीं? नहीं, सब्जी जो अलग अलग होता है, चावल दाल बहुत अच्छा लगता है। मम्मी आपको आपके हाथ का क्या पसंद है? सब कुछ। तुमको? सोया चाप, बहुत टेस्टी। और तो आलू का पराठा, मजा आ जाता है। और मुझे तो मम्मी के हाथ से बना हुआ सभी खाना अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। स्पेशली वो मम्मी जब आलू गोभी बनाती है ना, आलू गोभी की सब्जी, ओह टेस्टी। अगला सवाल है लक्ष्य मेहता जी का, भारती आंटी इन विच क्लास यू बिकेम मॉनिटर, एंड आपको मार पड़ी है कभी अपने मम्मी पापा की? बहुत तेज माँ से बहुत मार पड़ी है हमको, पापा नहीं मारते हैं। मॉनिटर कब बने बताओ ना? सिक्स सेवेंथ में मॉनिटर बने। दोनों में पूरे साल सिक्स से बनती ही रही अब तक, अब घर की मॉनिटर हूँ। बनी हूँ। अगला सवाल है दशरथ दुर्वे जी का, हाउ डिड यू मैनेज कैमरा एंगल्स इन एस्थेटिक व्लॉग्स, हर सेकंड में कैमरा एंगल देखना पड़ता होगा, इन टॉप एंगल पे फ्रेम, हाउ डिड यू मैनेज? सारा शूट मैं करता, मेरे को पूछने नहीं आ रहा, इसको आता भी नहीं है। सब मैं अकेले करती हूँ, उस दिन तो हनी सनी को अपने आसपास नहीं भटकने देती हूँ बिल्कुल। और ये सवाल का जवाब मैं कैसे दूँ, मैंने एस्थेटिक व्लॉग बस दो चार बनाए हैं, कुछ वैसा जिसकी आप बात कर रहे हैं वैसे व्लॉग्स मैंने सिर्फ दो चार बनाए हैं, लेकिन बताऊंगी कभी आपको। अगला सवाल है ओम प्रकाश सिंह जी का, हु इज द एंग्री बर्ड इन योर फैमिली, बाय द वे लव फ्रॉम असम सोनितपुर बानासुर की नगरी। मम्मी और दीदी। एंग्री बर्ड दोनों तुरंत एकदम चढ़ जाते हैं, सबसे मास्टर ये। मम्मी और दीदी सबसे ज्यादा मैं परेशान हो जाती हूँ, गुरु शिष्य दोनों एकदम, गुरु शिष्य एकदम। नहीं ये मैं मानती हूँ, ये दूसरे को सिखाती रहती। अगला मैं कब करना है? अच्छा अगला सवाल है पी एम जी का, आंटी जी आप दरभंगा से है ना, आप लोग दरभंगा कब आओगे, हम लोग आपके व्लॉग रोज देखते हैं, ऑल योर फैमिली मेंबर्स आर वेरी टैलेंटेड मैथिली। जल्दी आने वाले हैं, जल्दी दरभंगा। हम लोग तो अभी कुछ महीने हफ्ते पहले ही जाने वाले थे, हाँ। तो ये लॉकडाउन का ये हो गया। पप्पा को तो इतना मजा आता है ना अपने ससुराल जा करके, इतना खाना पीना और इतने सारे मामा मामी तो इतना सब आदर करते है ना, आदर बाप रे। अगला सवाल है रिप्स का, पापा आप ध्यान से सुनिएगा, ऋषभ के लिए है, लेकिन ऋषभ के लिए है सवाल, व्हाट क्वालिटीज डू यू प्रेफर अ गर्ल शुड हैव इफ शी वांट्स टू बी योर फ्यूचर लाइफ पार्टनर? अरे जब लड़की ढूंढोगे तो कौन सा गुण होना चाहिए हनी के लिए? कैसे कैसे लोग हैं यार, नहीं कुछ आता नहीं होता तो गाने आना होना चाहिए, कुछ आए चाहे ना आए लेकिन उसको गाना आना चाहिए, ये इनका कहना है।
मम्मी आप बताना जरा आपको क्या क्या चाहिए? समझदार होना चाहिए। समझदार होगी तो हर एक चीज हैंडल कर सकती है। नहीं, मैं हमारे विरासत को बढ़ाने के लिए तो गाने आना चाहिए। हाँ तो मैं वही हूँ, समझदार होनी चाहिए हर एक चीज। मम्मी पापा took it seriously, quite seriously। नहीं, मुझे तो ये है कि भाई लड़की जो भी हो ना, मतलब जिसको मैं भाभी बोलूँ उसका मेरा थोड़ा कनेक्शन बढ़िया होना चाहिए। कैसे पूछा किसी ने? करना अपना काम, कनेक्शन बिठाएगी। अगला सवाल है मौली की तरफ से। मम्मी से पूछ रही है, हाउ डू यू मैनेज व्हेन ऋषभ, मैथिली एंड अयाची हैव अ फाइट? मैच हो जाता है तो कैसे छुड़ाते हो? समझ गई मैं। तो यही है, यदि मैं नहीं होती हूँ लड़ाई होता है, यदि आ गई मैं बस अपने आप दोनों स्ट्रेट हो जाते हैं। मैं कभी झगड़े में पड़ता ही नहीं हूँ। तेरे से ही झगड़ा होता है। अगला सवाल है कि अच्छा ये तो पाचों से पूछ रहे हैं। अगला सवाल ये पापा से पूछ रहे हैं, व्हाट मेड यू फाइनली डिसाइड दैट ऋषभ शुड बी इन तबला एंड नॉट इन एनी अदर इंस्ट्रूमेंट? हम पहचान जाते हैं। मुंह देख करके पापा समझ गए। मुंह देख करके समझ जाते हैं। क्या जी? मुंह देख के समझ गए कि मेरे से कुछ नहीं होगा। अगला सवाल वो पूछ रहे ऋषभ से, व्हाट आर योर प्लान्स फॉर हायर स्टडीज? मैंने कुछ। अगला सवाल अयाची से, ग्रेजुएशन तो करूंगा ही। अगला सवाल अयाची से कि व्हाट मेक्स यू लव, मतलब कि व्हाट मेक्स यू, अरे हां यार, लव अबाउट डॉग्स? मेरे को कुत्ता से इतना ज्यादा प्रेम क्यों है? तो कुत्ता से इसलिए ज्यादा प्रेम है क्योंकि मेरे पास है नहीं, और जो चीज मेरे पास नहीं होता है उससे मेरे को बहुत ज्यादा प्रेम हो जाता है। ओ समझ रहे हो गाइस, समझ रहे हो। अगला सवाल ये मुझसे पूछ रहे हैं, हाउ डू यू कंट्रोल योर एंगर एंड बिहेव सो हम्बली इवन विद द हेटर्स? मैं हेटर्स के साथ कुछ बिहेव ही नहीं करती हूं एक्चुअली, और गुस्सा मुझे बहुत ज्यादा आता है। घर में भी मैं पापा पे सब झाड़ देती हूं। पापा जो बस पापा जो मेरे गुस्से को बहुत कंट्रोल कर लेते हैं। हनी सनी को मैं कूट देती हूँ, लेकिन ये दोनों उल्टा मेरे को ना बहुत ज्यादा परेशान कर देते हैं। मैं दीदी को ना मेंटली डिस्टर्ब कर देता हूँ। मैं अगर मार नहीं सकता तो मैं मुंह से तो मार सकता हूँ ना, मेंटली डिस्टर्ब कर देता हूँ, फिर बोलेगी नहीं दिन मेरे को, चुपचाप कर देता है। It would be great if I can hear my name from the Thakur siblings. Please take my name once. Mauli. One, two, three, go. Mauli. Hi Mauli. Thank you so much for asking. Okay. बहुत बहुत शुक्रिया। आज का यही पे रैप अप करें। हाँ, जो भी देख रहे हैं इसको जरूर सब्सक्राइब करिएगा, आगे भी देखते रहिएगा। हम लोग सोच रहे हैं कि बड़ा मजा आता है ऐसे एक फैमिली क्यों नहीं करने में, तो हम लोग हफ्ते दो हफ्ते में एक बार वीडियो में एक बार जरूर करें। और कुछ अच्छा अच्छा क्वेश्चन, ये नहीं कि ये कौन है इसका, ये कौन है। हाँ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मत पूछा करिए, हम लोग बड़े सीधे बच्चे हैं। तो ऐसे ऐसे क्यों नहीं हम लाते रहेंगे हर दो तीन हफ्ते में, या हर हफ्ते हफ्ते, हर एक हफ्ते, क्योंकि इस क्यों नहीं बहुत ज्यादा मजा है, जितना हमने सोचा था उससे कई ज्यादा मजा है। तो आप सभी को क्या करना है, जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। 100K से बहुत पास में हम, रोज रात 8 बजे आता है हमारे चैनल पे व्लॉग, फैमिली व्लॉग, तो वो जरूर देखें। हाँ। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और काफी सारे लोग ये बोल रहे थे कि आप 8 बजे से थोड़ा और पहले अपलोड कर दिया करो, तो ये डिपेंड करता है हनी पे, ये बड़ा बिजी रहता है और 6 बजे के बाद फ्री होता है। 6 बजे होना चाहिए, 8 बजे नहीं। आपकी क्या राय है? मैं पोल डाल दूंगा, अगर लोगों ने हाँ बोल दिया तो मैं कर दूंगा। जाते जाते दी ठाकुर फैमिली की तरफ से आप सभी लोगों को बहुत सारी अच्छी अच्छी शुभकामनाएं। सब लोग अपने अच्छे स्वास्थ्य में रहे, ये वाला नया साल आप सभी के लिए बहुत मंगलमय साबित करे, और सालों भर खुश रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय। सभी लोग अपना ख्याल रखे, दी ठाकुर फैमिली ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करे और हमारे वीडियो देखते रहे। बाय 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 बाय। आ जानी माय करते हैं। अरे